जिनकी वाणी से मिलता आगम का विशुद्ध ज्ञान, जिनके समागम से मिलता भक्ति और ज्ञान का विशुद्ध मेल, जिनके सहज वाचन से मिलता आत्मा को विशुद्ध सत्संग। ऐसे आचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल देशना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक परिवार हैं स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी, श्री पदमचंद जी छाबड़ा, श्रीमती उषा देवी, श्री कैलाश चंद्र जैन, श्रीमती आकांक्षा जैलेश जैन एवं कुशल जैन, समस्त परिवार कोलकाता। पुण्यार्चक बनने के लिए संपर्क करें विशुद्ध देशना प्रसारण केंद्र, अनुराग भैया, सीहोरा, 9630555001, वैभव जैन, बड़ा मलेरा, 9977434343। तीर्थंकर जैन की पीयूष देशना। जैनेन्द्र भाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है, ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतु हो जयवंतु वित्रा श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु स्वभाव की व्याख्या केवल ज्ञान प्रमाण से की है। वह प्रमाण जो है जगती पर ऐसा प्रमाण है जिसमें चराचर द्रव पर्याय युगपत झलकती है। अनंत वीर के साथ, अनंत बल के साथ, अनंत ज्ञान को धारण करने के सामर्थ्य जीव के अंदर है। वो सामर्थ्य तभी प्रकट होगी जब ये जीव छद्मस्त काल में अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति के क्षोभ को सुरक्षित रखेगा। बहुत संभल के समझना। कुछ लोग यूं सोचते हैं कि हम सामान्य सुपयोग की क्रिया से भगवान बन जाएंगे। क्रमिक तत्व की व्याख्या है, जो जीव उत्कृष्ट मार्ग पर नहीं पहुंच सकता उसको हमारे लिए अशुभ से बचाने के लिए शुभ में लगाना चाहिए, लेकिन शुभ में लगा करके शुभ में संतुष्ट नहीं कर देना चाहिए। और शुभ उपयोग की जो क्रिया है वो शुभ उपयोग की क्रिया एकत्वभूत नहीं है, शुभ उपयोग की क्रिया नानत्वभूत है। और नानत्वभूत शुभ उपयोग की क्रिया को प्रत्येक जीव को बहुत गहरे में समझना चाहिए। और जब सुपयोग की क्रिया, सुपयोग नहीं बोल रहा हूं, सुपयोग की क्रिया, शुभ उपयोग की क्रिया को समझते समय यह ध्यान रखना चाहिए जीव की योग्यता क्या है। षट आवश्यक कर्तव्य श्रावक के हैं, षट आवश्यक कर्तव्य श्रमण के हैं। श्रमण के आवश्यक, श्रावक के आवश्यक, ये दोनों ही आवश्यक।
दोनों ही आवश्यक स्वकीय स्वकीय योग्यता पर हैं। जगत में कोई भी प्राणी हो, उससे कुछ कहने के पूर्व उसकी योग्यता का ध्यान रखना चाहिए। स्वकीय जीवन को आनंद पूर्वक जीना चाहते हो तो कैसलीवेल जी, स्वकीय जीवन को आनंद पूर्वक जीना चाहते हो, कौन जीव कैसा कर्म कर रहा है उससे कुछ कहने के पूर्व मुझे उस जीव की योग्यता का ज्ञान करना चाहिए। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो मंदिर में भगवान की पूजा में जिनका मन नहीं लगता, लेकिन मंदिर के गेट पर बैठ करके मंदिर की रक्षा करने मन लगता है। उस जीव से हम बार बार ऐसा नहीं कहेंगे कि तू पूजा कर पूजा कर, उसको बार बार पूजा को तुम प्रेरित करोगे उसको गुस्सा आएगी। आप पहले धर्म को समझो। यदि मंदिर के गेट पर बैठ करके मंदिर की रक्षा करने में लगा हुआ है, उस व्यक्ति की उतनी योग्यता है, वो अपनी उसी योग्यता से अपना पुण्य कमा रहा है। दूसरा व्यक्ति उससे काम पूजा करके आओ, उसको पूजा में मन ही नहीं लगता, मंदिर में झाड़ू लगा करके खुश होता है। यदि उसको मंदिर में झाड़ू लगाकर खुशी मिल रही है, आचार्य रविशरण स्वामी ने पद्म पुराण जी में लिखा है, जो श्री जनालय को स्वच्छ करता है उसे स्वर्गों के रत्नों की भूमि की प्राप्ति होती है। अरे वह ये देखना चाहिए बड़जात्या जी, अध्यक्ष जी, कोडरमा विमल भैया, जो व्यक्ति मंदिर में मात सफाई करने में आनंद लूट रहा है, वह ये देखना चाहिए कम से कम अपनी पत्नी के लहंगे चुंदरी धोने के पानी जिसमें बह रहा है उस नाली को साफ तो नहीं कर रहा है, वो जिनदेव के मंदिर की सफाई कर रहा है। नाक नहीं सिकोड़ना अपन को कि देखो ये इसमें लगा हुआ है, हमें ये देखना है। ध्यान दीजिए, भगवान ऋषभ देव ने जो तीन वर्णों की स्थापना की है वो जीव की योग्यता देख के की है। यदि हर व्यक्ति ऐसे मुकुट लगा करके हाथ जोड़ खड़ा रहने लग गया तो झांझरी जी ये तुम्हारे कपड़े कौन से लेगा? जिन कपड़ों को पहन करके आप सुंदर दिख रहे हो, यदि आप जैसे हर व्यक्ति खड़ा होने लग जाए, देश में हर व्यक्ति कहे मैं तो ऐसे ही खड़ा रहूंगा कुछ करूंगा नहीं, अरे सेठ जी उनकी योग्यता यही थी वे कपड़े सिलेंगे वो आपको पहनाएंगे तब तुम सुंदर लगोगे। हर व्यक्ति की योग्यता पर ध्यान दीजिए। जो देश को समीकरण की बात करते हैं वे देश का नाश करने की बात करते हैं। एक एक शब्द में आपको बहुत आनंद के लिए जा रहा हूं। जो व्यक्ति सुरेश भैया जो यूं कह रहे हैं हर काम अपने हाथ से करना चाहिए, प्रत्येक काम अपने हाथ से करना चाहिए, ऐसी व्याख्या जो कर रहे हैं वे देश को पतन की ओर ले जा रहे हैं। थोड़ा धैर्य के साथ सुनना। जो व्यक्ति ये कह रहा है प्रत्येक कार्य अपने हाथ से ही करना चाहिए, वो देश को पतन की ओर ले जा रहा है। अरे कोई वृद्ध हो चुका है, उसके पास काम करने की क्षमता नहीं बची है, कोई ओनर नहीं बची है, वे हर काम अपने काम हाथ से करें, ठीक तुम जियो। लेकिन एक प्रोफेसर है कॉलेज का, डीन है कॉलेज का, प्रिंसिपल है कॉलेज का, उससे तुम कह रहे हो पहले घर की सफाई करो, पुताई करो, रोटी बनाओ, कपड़े धो, बर्तन मांजो, फिर तुम पढ़ाने जाना, स्कूल ले जाना। मेरे मित्र यही काम करता रहेगा उसकी बुद्धि तो महिला की बन जाएगी। उससे आप कह रहे तुम पढ़ाने जाओ, क्या पढ़ाने जाएगा? इसलिए दूसरी बात, सब काम वही करेगा वही करेगा, तो ऐसे भी तो लोग हैं जिन विचारों से
दूसरा काम नहीं बनता है, उनका तो तुमने काम छीन लिया। देश का विकास चाहते हो, देश का विकास चाहते हो, समाज का विकास चाहते हो, धर्म का विकास चाहते हो, जो योग्यता जिसमें है उस योग्यता से उससे काम लो। मेरे मित्र, अयोग्य व्यक्ति से योग्य काम मत दो। बराबर है? यदि विमल बड़जात्या 1 घंटे में 1 करोड़ कमाते हैं, और 1 करोड़ कमाने वाले व्यक्ति से आप कह रहे हो ये नाली को साफ कर लो, यदि घर में कोई नौकर तुम्हारी नाली साफ कर जाएगा, उसका भी जी पेट भरेगा, और तुम 1 करोड़ कमाने वाले नाली साफ करने बैठ जाओगी और 1 घंटे उसमें चला गया, तो तुम्हारा तो 1 करोड़ गया ना। तुमको नाली सफाई में 1 करोड़ लग गए। आपको अपने घर की नाली की सफाई में 1 करोड़ लग गई। 1 करोड़ नहीं समझ में आ रहा? मैं कह रहा हूं विमल बड़जात्या 1 घंटे में 1 करोड़ रुपए कमाता है, ठीक है, और सुरेश झांझरी किसी व्यक्ति को सीख के सुन के आ गए, बोले हर काम अपने हाथ से करना चाहिए। अमुक आश्रम में पढ़ के आया हूं मैं। वो अमुक आश्रम में तुम पढ़ के आए हो, लेकिन लेकिन झांझरी ने कह दिया बड़जात्या जी आप जो है अपने हाथ से काम करना। बोले मैं अमुक आश्रम में पढ़ के आया हूँ, वहाँ आपकी महिलाएं, वहाँ की माता बहनें, भाई बंधु, वृद्ध लोग उस आश्रम में सब अपने हाथ से काम कर रहे थे। पर उनसे ये पूछना जो हाथ से काम कर रहे थे उनके आगे पीछे क्या है, उनके आगे पीछे क्या है, कोई दूसरा काम है क्या, कोई फैक्ट्रियां लगी क्या, कोई बड़ी बड़ी दुकानें हैं क्या? बोले कुछ नहीं है मित्र, उनको अपने हाथ से ही काम करना चाहिए। और मैं 1 घंटे में 1 फोन पर 1 करोड़ कमा रहा हूँ, और मैं 1 घंटे फोन अटेंड नहीं करूँगा तो हमारा 1 करोड़ जाएगा कि नहीं जाएगा? अब बताइए, यदि बड़जात्या नाली साफ करता है तो उसमें 1 करोड़ की 1 नाली साफ कहलाएगी? लोगों को पता ही नहीं अभी रहस्य। किशोर पांडे जी, इसलिए हर व्यक्ति की बात सुनकर कभी प्रभावित होना मत कि जो व्यक्ति 1 करोड़ कमाता हो वो मेरे मित्र, एक व्यक्ति 10,000 रुपए भी देगा महीना के, उसे नाली साफ करा लेगा घर की, तो मेरे में तब भी सस्ती पड़ेगी। इसी प्रकार से मैं अब आपको धर्म के पास ले जाता हूं। जिन्होंने ये कह दिया कि हर काम अपने हाथ से करना चाहिए, हे मित्र, हर काम अपने हाथ से आप करने बैठ जाओगे कभी भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर तुमने मुनिराज से भी कहोगे महाराज जी हर काम अपने हाथ से करो, अपने हाथ से करेंगे मालूम आरंभ सारंभ हो जाएगा, हिंसा हो जाएगी, चार जो उनको कर्म की इंद्रिया होने वाली थी वो इंद्रिया समाप्त हो जाएगी। इसलिए परस्पर ग्रो जीवा नाम, देखिए ना, वो हमारा जिन पारस चैनल वाला भाई बैठा है, एक भाई को कैमरा लिए खड़ा है बेटा। अब तुम कहो महाराज जी हर काम अपने हाथ से करना चाहिए, तो मैं कैमरा भी लेके बैठ जाऊं और मैं वो वीडियो बनाने लग जाऊं तो मालूम नमोस्तु कौन किसको करेगा, वो माइक भी सेट करने लग जाऊं। हर काम अपने हाथ से करना चाहिए, मालूम चला कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मेरे मित्र देश की नाली साफ करने लग जाएगा तो उस दिन उसकी महत्व समाप्त हो जाएगा। अपने पद के अनुकूल काम करना चाहिए, हर काम नहीं करना चाहिए। सुखी पद के अनुकूल काम करोगे तो देश का कल्याण होगा, उद्धार होगा, और हर काम करने चले जाओगे देश का पतन हो जाएगा। आगे चलते हैं, विराजो ज्ञानी, मैं ये कह रहा हूं कोई पुरुष जिसे पूजा करने मन नहीं लगता, ठीक है, और कोई मंदिर को स्वच्छ कर रहा है, यदि विमल बड़जात्या जी जाकर के मंदिर में यदि झाड़ू लगा देते हैं तो इनको पाप का बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? घर की सफाई करने में जहाँ रागी देसी प्रपंच के लोग बैठे हुए हैं
वहां की तुम सफाई कर रहे हो उससे तुमको पापाश्रम ही होगा, लेकिन तीर्थंकर जिनेन्द्र देव के जिनाले में आपने स्वच्छता की है। हे मित्र, इस जिनेन्द्र के देवालय की स्वच्छता के नियोग से पद्म पुराण जी में लिखा हुआ है, जो श्री जिनाले में स्वच्छता करता है उसको मरियों की भूमि स्वर्ग में मिलती है। इसलिए मंदिर की देहरी का गंदापन मतलब समाज का गंदापन, मंदिर की देहरी देखते ही समाज का पता चल जाता है कि समाज कितनी बढ़िया सुंदर है, इसलिए मंदिर चमकना चाहिए है। श्री जिनाले चमके तो श्री जिनाले चमके समाज की भक्ति की पहचान होती है, और मित्र प्रशांत के गाल चमके तो इनके भोजन की पहचान होती है, इनके भाव चमके इनकी विशुद्धि की पहचान होती है। भावों की विशुद्धि चेहरे पर दिखाई देती है। गरीब के चेहरे अपने आप दिखते हैं, अमीर के चेहरे अलग दिखते हैं, इस तथ्य है कि नहीं। आइए, जो पुरुष जिस काम में दक्ष है, जिसको मंदिर पर ध्वजा चढ़ा में आनंद आता है, तो नरेश सुरेश गदिया ये न कहें, इसको ध्वजे दिखती रहती है। आप रहस्य पकड़िए, आप जैनत्व के अंदर में जाइए, श्री जिनाले पर ध्वजा फहराने में किसी को आनंद आता है। मित्र, जहां तक ध्वजा दिखाई देगी वहां तक जिन शासन दिखाई देगा। आज तुमने श्री जिनाले पर ध्वजा चढ़ाई है, आपको स्वर्ग के बीमा में दुर्दंड मिलेगा। किसी को मंदिर पर कलश चढ़ाने में आनंद आता है, चढ़ाइए आप, क्योंकि ये जैन दर्शन अनेकांतमयी है। ये सारी क्रियाओं का उद्देश्य मात्र शुभ क्रिया है, उपयोग की निर्मलता के लिए है, विसंवाद के लिए नहीं है। और कोई कहता मैं तो कलश ही चढ़ाऊंगा, शिखर नहीं बनवाऊंगा, अरे अज्ञानी, शिखर नहीं बनेगा तो कलश किस पर चढ़े, घर के बांस गाड़ के चढ़ा ले, फिर अपने घर के आंगन में कासरीवाल जी उसे कहना कि तू बांस गाड़ ले उस पर चढ़ा ले। अरे जब कलश मंदिर बनेगा तभी शिखर बनेगा, तभी तो कलश चढ़ेगा। बोले मैं तो इंतजारी में हूं, जब कलश चढ़ेगा तब आऊंगा। अरे तू इंतजारी में, बहुत अच्छी बात है, तू कलश में आना, लेकिन मंदिर का निषेध मत करना। जब तक मंदिर नहीं बनेगा तो कलश चढ़ेगा कहां पर। जो लोग ये कह रहे हैं हम तो अरहंत को ही मानते हैं, सिद्धों को ही मानते हैं, जब अरहंत बन जाओगे विशुद्ध सागर जी तब मैं आपके पास आऊंगा, उस ज्ञानी से कह देना मेरे मित्र अरहंत बनने के लिए निर्गंत बनना ही पड़ेगा, निर्गंत बने मेरा अरहंत कोई बनता नहीं है। देश में एक भी चट्टान नहीं रहना चाहिए, देश में एक भी चट्टान नहीं रहना चाहिए। हम तो अरहंत की मूर्ति की पूजा करते हैं, अरे अज्ञानी, चट्टाने नहीं होंगी तो अरहंत की प्रतिमा बनेगी कहां से। ओहो, ब्रह्मचारी ऐसे खराब है, खराब है। अरे ब्रह्मचारी बनेंगे नहीं तो महाराज आएंगे कहां से, और महाराज नहीं होंगे तो भगवान बनेंगे कहां से, और अरहंत नहीं होंगे तो सिद्ध बनेंगे कहां से। अनेकांत का बोध होना चाहिए। पंडित जी, प्रतिष्ठाचार की भी आवश्यकता है और मुनि महाराज की भी आवश्यकता है, और प्रतिष्ठाचार की आवश्यकता है, मुनि महाराज की आवश्यकता है, तो श्रावक की भी आवश्यकता है। प्रतिष्ठाचार को मंच दिया किसने, मुनिराज को सिंहासन बिठाया किसने, ये श्रावक नहीं होते तो मेरे मित्र तुम्हें आते कैसे। और ज्ञानी जो इस परिसर में झाड़ू लगा रहा है उसकी भी आवश्यकता है, वो स्वच्छ नहीं करता तुम यहां बैठते कैसे। इसलिए हर व्यक्ति की योग्यता का सम्मान करो। इस मद में कभी नहीं डूबना, मैं बड़ा आदमी हूं, इस मद में कभी मत डूबने वाला आदमी हूं। बड़े आदमी को सबसे ज्यादा छोटों का सम्मान देना चाहिए। क्यों, हमको बड़ा बना के रखा किसने, इस छोटे ने ही रखा है।
हमको बड़ा बड़ा के रखा किसने है। यदि मैं आचार्य सिंहासन पर बैठा हूं तो ये हमारे शिष्य न होते तो आचार्य किसका। इसलिए ये निर्णय होना चाहिए। और किशोर पहाड़ जी यहां पर कुर्सी पर बैठे हुए आनंद का जीवन जी रहे हैं। मित्र चंडी में इनका एक भक्त आया, उसने पहचान लिया, बोले सेठ जी। उसमें सेठ जी के हृदय से पूछ तो कैसा लग रहा है। जितना जितना आनंद इनको उस दिन नहीं आया था जब इनके ससुर की बेटी ने बरमाला डाली थी, उससे कई गुना आनंद उस दिन आया था कि एक इनका सेवक अचानक पहचान लेते मेरे सेठ जी। इनका हृदय गदगद हुआ और धीरे से कहते महाराज जी हमारी फैक्ट्री में ही काम करता है। कहो ज्ञानी आनंद आया कि नहीं आया था। अब एक कल्पना कीजिए, उस बच्चे को आपने बड़े सम्मान के साथ हाथ रख दिया था, बड़े आदमी को छोटे आदमी को देख लाना ही संपत्ति का मिलना है, प्रेम की आंख से देख लेना ही। अनमेश एक धर्म नेता, एक राजनेता सम्राट के लिए कई कलाएं आना चाहिए। किसी को देख करके खुश किया जाता है, किसी को देख करके खुश किया जाता है, किसी को देख करके खुश किया जाता है, किसी को देख करके खुश किया जाता है। सामान्य जीव हैं आप, नेताजी हो, एक बार प्रजा को तुमने देख लिया अच्छे से, वो खुश हो जाती है हमको देखा है, आपके बराबर के हैं उन्हें भेंट दे दो खुश हो जाते हैं। कुछ लोगों को खाना खिला के खुश किया जाता है, कुछ लोगों के साथ खाना खा के खुश किया जाता है। कासलीवाल जी बराबर, कुछ लोगों को खाना खिला के खुश किया जाता है तो कुछ लोगों के साथ बैठ के खाना खाकर खुश किया जाता है, और कुछ लोगों के घर में खाना खाने से खुश किया जाता है। इतनी नीतियां जिसके पास होंगी वो देश का नेता बन के जी सकता है, इतनी नीतियां जिसके पास होंगी वो दिगंबर मुनि महाराज बन के रह सकता है। कुछ लोगों को देख करके ही खुश हो जाते हैं, कुछ लोगों को यूं आशीर्वाद दे दिया जाता है, कुछ लोगों के लिए मेरे मित्र बोल दिए जब भैया इसको भोजन करा दो खुश हो गया, तो कुछ लोगों घर में आहार करने चले जाओ विमल बढ़ जाता खुश हो जाता, मेरे यहाँ आचार्य महाराज पधारे हैं। तो ये कौन सा गांव है, निमिया घाट का कासलीवाल, इसमें खुश हो जाता हमारे घर में। किसी घर में एक दिन के एक महाराज आते हैं, हमारे घर में तो 5 दिन के लिए पूरा संघ का संघ पधारा, वो इसमें खुश है। मित्र कौन सा पुण्य कमा के आए थे कि लोग तड़पते हैं, सुरेश आपका झांझरी तो बेचारा सोचते ही रह गया, एक भाई की कोठी में तो हार ही नहीं हो पाए, बोले महाराज जी महाराज जी महाराज जी। अब महाराज जी क्या करें, 50 चौके लग रहे थे, लेकिन भाई तूने कासलीवाल ने कितना पुण्य कमा के आया है कि लोग एक एक साधु को नहीं पकड़ पाते हैं, और आप मित्र पूरे संघ के संघ को घर में रुकाए हुए हो। बस शून्य गा रहे ध्यान रखने को सुने, बोले महाराज जी घर में रुके हैं, शून्य स्थान पर रुके हैं। मित्र प्रशांत अपने पुण्य पर मुस्कुराया करो। किसी के दादा ने एक मंदिर बनवाया आदमी गदगद होता है। मित्र जितनी जन्म भूमियां हैं आपके दादा ने सब जगह मंदिर बनवा के रखा है, तुम अपने पुण्य पर भी तो मुस्कुराया करो। अभी तक 2020 तक आप ये सोचते थे इतने मंदिर दादा क्यों बना गए, हमको देखना पड़ता है, लेकिन 2020 के बाद आपको भाव बदल चुके हैं कि दादा ने अच्छा काम किया है, कि सभा की अग्रिम पंक्ति में बैठने का अवसर दे के गए हैं, उस दादा को प्रणाम कर लो। अब आगे चलिए, योग्यता को देख करके ज्ञानियों, योग्यता को देख करके काम होता है। यदि महिपाल पंडित जी का प्रभाव है, आवश्यकता यहाँ पर है, तुम्हारे भाई सोजना की भी आवश्यकता है।
यदि भोला की आवश्यकता है तो संजय भट्टारक की भी आवश्यकता है। अब आदमी के पर आदमी को इतना ध्यान रखना चाहिए, आयुधशाला में अनेक आयुध रखे हुए हैं, हर समय हर आयुध को नहीं उठाया जाता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि अनावश्यक पड़ा हुआ है, जिसकी जब आवश्यकता होती है उसको सैनिक उठाता है। ऐसे ज्ञानियों देश में पवन अनेक प्रकार के लोग हैं, कब किसकी आवश्यकता है उसका प्रयोग करना जानना चाहिए, इसका नाम चक्रवर्ती सम्राट है। इस संसार की व्याख्या कर रहा हूं, जब परमार्थ के पास जाते हैं तो शुभ उपयोग की क्रिया, जिस पर देश लड़ लड़ करके कर्म का बंद कर रहा है, पागलों की भीड़ है ये, जबकि इस उपयोग की क्रिया लड़ने के लिए नहीं है, परिणामों की निर्मलता के लिए है। जिस व्यक्ति को मंदिर में बंदर बाल लगाने में ही आनंद आता है, तुम लगाओ बेटा, तुमको बंधन बाल लगाने में आनंद आता है तो हमारे आचार्यों ने कहा है उसमें एक पत्ता मत लगाना, 24 लगाना 24, और एक एक पत्ते पर एक एक तीर्थंकर की स्थापना करना, और मंदिर का गेट ना छोटा के झुक के जाना, और फिर मित्र वंदना हो रही बार बार, उसका नाम है बंधन बार, वो 24 तीर्थंकर का प्रतीक है, उसमें हम झुक के जा रहे हैं, वंदना हो रही बार बार, घर घर में बंधन बार होना चाहिए, मंदिर में तो होना ही चाहिए। बड़जात्या जी विमल भैया, अपने घर में अपने यहां से जाके बंधन बार लगवा देना 24 पत्ते का। और बेटा पूछे दादा क्या कर रहे हो, पोता पूछे बोले बेटा आज मैं जिनवाणी सुन के आया हूं, बार बार मंदिर तो नहीं जा सकता हूं पर बंधन बार गेट पे लगाया है, जब जब निकलूंगा तब तो झुकूंगा, ये तीर्थंकर 24 का प्रतीक है, इसकी मैं वंदना कर रहा हूं बार बार, इसका नाम बंधन बार है। तो महाराज जी किसी का मन करता है पूजा मन नहीं लगता तो घंटे लगाना चाहता है मंदिर में, अरे लगाने दो, वो घंटी लगा रहा है ना ध्वनि निकलेगी, वो भी अच्छा कर रहा है कि कोई व्यक्ति घर में सो रहा है मर रहा है भगवान का नाम भूल गया है, घंटी की आवाज सुनेगा, अरे मंदिर की घंटी की आवाज सुनकर को उसको स्मरण हो गया मंदिर में घंटी बज गई, मेरे मित्र उस घंटे ने उस मरते हुए आदमी की समाधि करा दी। जो सुधीर घंटा लगाएगा धुनी निकलेगी, वो दिव्य धुनी के जयनाद कर रहा है। हर व्यक्ति की महिमा को देखो, पद्म पुराण जी में तो यूं लिखा है, जो श्री जिनेन्द्र देव के जिनाले में कांच लगाता कांच दर्पण, वो व्यक्ति भी पुण्यात्मा है। बोले क्यों, जैसे दर्पण स्वच्छ है पारदर्शी है प्रतिबिंबित करता है, ऐसे प्रभु का ज्ञान जगत को प्रतिबिंबित करता है, ऐसे स्वच्छ दर्पण को लगा करके मंदिर की शोभा बढ़ाएगा, वो अपनी आत्मा की स्वच्छ शक्ति को प्राप्त करेगा। क्या हुआ, वो मंदिर की घंटी को उठा ले जाए उसको क्या लगेगा, ये तो करो प्रश्न। हे मित्र, मंदिर की घंटियां उठा ले जाएगा ना, बस समझ लो उसका घंटे ही बच जाएगा, निर्माल्य खाएगा निर्माल्य का दाना खाएगा उसका सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए कभी मेरे मित्र निर्माल्य का एक दाना अपने घर में लेके मत जाना। ऐसा भी मत करना कि झांझरे जी मंदिर में काम चल रहा था वो सीमेंट की बोरी खाली हुई चलो घर उठा ले जाएंगे, फर्श में डालने के काम में आएगी, वो बोरी भी उठा के मत ले जाना, पूरी फर्सी नष्ट हो जाएगा। यदि आप मंदिर की सीमेंट की बोरी भी उठा के ले गए पुण्य की दीवार खराब हो जाएगी। कभी मत सोचना। इसलिए मित्र आपको मंदिर के माली से घर का काम कराना है, अलग से आप उसको वेतन पर रखिए, लेकिन मंदिर के माली से मंदिर के द्रव्य से तुम घर का काम करा रहे हो, आपको निर्माल का दोष लगेगा। पंडित जी प्रतिष्ठाचार से प्रतिष्ठा का काम कराना, उसे बुलवा देने मत भुलवा भेजना, और बुलवा देने वाले से प्रतिष्ठा मत करवाना, अपना काम अपने हाथ से करो, जिसकी योग्य जो वो, हर व्यक्ति के काम नहीं करने का।
समय देखो, काल देखो, वस्तु व्यवस्था देखो। इसलिए जिस जीव को पूजा में मन लगता है उसे पूजा करने दीजिए, उसे पूजा करने दीजिए, उसकी पूजा में विघ्न मत करो। उपयोग की निर्मलता के लिए पूजा है, पूजा के लिए पूजा नहीं है। उसमें ये टोका टाकी मत करो कि हमने सिद्धों की पूजा की, तुम अनंतों की क्यों कर रहे हो। फिर तुम्हारी आस्था सिद्धों पर, तुम सिद्धों की करो, हम अनंतों की कर रहे हैं, पूजा के लिए पूजा नहीं कर रहे हैं। हमारे भगवान को पूजा चाहिए ही नहीं, अपने पापों के समन के लिए पूजा कर रहे हैं। बीत त्यागी अरहंत देव को तुम्हारी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो यहाँ पर पंचकरण चल रहा है, भगवान पारसनाथ स्वामी खुश करने के लिए नहीं चल रहा है, अपने पापों के प्रक्षालन के लिए चल रहा है। नहीं तो कोई यूं सोचे भगवान खुश हो जाएंगे, ये बीत त्यागी नाराज नहीं होते, बीत त्यागी खुश नहीं होते, वे अपने चित ब्रह्म में लीन होते हैं। जो पूजा कर रहे उसे पूजा करने दीजिए। वहां ये देखो कसाय मंद है। यदि वो भैया माइक की सीट पर बैठा हुआ है, मशीन पर वो भैया कैमरा लिए बैठा है, यदि इन लोगों को भी यहां शांत प्रणाम चल रहे हैं, शांत, कोई विकल्प नहीं आ रहे हैं, कोई जगत के पापों के प्रति प्रणाम नहीं जा रहे हैं, ये बालक भी यहां पंडित पाप का छे कर रहे हैं बैठे बैठे। यदि मंदिर में भगवान के सामने ही किसी बालक बालिका को देखने के प्रणाम तुम्हारे चल रहे हैं, तो तीन लोक के नाथ के चरणों में भी तुम पाप का बंद कर रहे हो। अनेकांत दृष्टि से जब तक आप किसी भी वृत्ति की व्याख्या नहीं करोगे, तब तक धर्म समझ में आने वाला नहीं है। खिंचाव का नाम धर्म नहीं है। मालूम पंडित जी, ये मत पूछना कहाँ क्या दिख के आते हो। आज हम लोग शुद्धि को गए थे पहाड़ के ऊपर, वहाँ रास्ते में निमिया घाट के कुछ बालक बांसुरी बजा रहे थे, सितार बजा रहे थे। वे बच्चे गदिया ने बुला करके बोले, बेटा सुनाओ। उसके बांसुरी में कितने छेद थे गदिया जी, बांसुरी में कितने छेद थे। मित्र, वो बजाने वाला छोड़िए, वो वाली बांसुरी नहीं थी वो। मित्र सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सारे गामा पादा नी सा, कितने हो गए सुर, कितने होते हैं, सात सुर होते हैं। तो वे सात सुरों में उसमें कौन सा छेद व्यर्थ का था। कौन सा छेद व्यर्थ का था बांसुरी में। लेकिन जिस समय जिस छेद को किसको बंद करना, किसको खोलना, कब धुनी निकलना है, ये बांसुरी बजाने वाले को मालूम है। परंतु कोई व्यक्ति कहे जब एक सुर निकाल रहा है तो बाकी छेद बंद कर दो, अरे बंद नहीं करना है। जिनवाणी कह रही है, अरे पिता नरपित सिद्धे, जब सारे गामा पागानी से बात चले तो जब सरगम का हो तो दधी का, अधिगमज का, ऋषभ का, इन सबको वहां गुण करना पड़ता है, एक को मुख करना पड़ता है। पर छेद सात तो खुले मिलेंगे तब सब दंगी न्याय प्रारंभ होता। शायद अस्ति शायद नास्ति, शायद अस्ति नास्ति, शायद अवक्तव्य, शायद अस्ति अवक्तव्य, शायद नास्ति अवक्तव्य, शायद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये बांसुरी के सात सुर कह रहे हैं, भगवान तीर्थंकर की दिव्यधुनी सात स्याद बाद स्वरूप है। बांसुरी बजाना चाहिए, लेकिन जिसको बांसुरी बजाते नहीं आता है, जिसको बांसुरी बजाते नहीं आता है, मालूम भैया वो तो कहेगा बांस की लकड़ियां फेंक दो, क्यों पड़ी व्यर्थ में घर में। जिसको बांसुरी के सुर निकालते नहीं बनता, अनमेश पारे जिसको सुर निकालते नहीं बनता, वो क्या बोलेगा, ये व्यर्थ में घर की अलमारी को घेरे हुए, इसको फेंक दो।
जिसको सुर निकालते नहीं बनता झांझरी जी, वो बांसुरी को फेंक देता है। मेरे मित्र जिसको सुर बजाने बनता है, वो नारायण कृष्ण की भांति बांसुरी को अपने अधरों पर रख के चलता है। ऐसे जिनको स्यादमान विद्या से मंडित निर्गंत मुनियों के लिए भक्ति करना नहीं आता है, इनका आनंद लूटना नहीं आता, वे कहते हटा दो इनको, वो मेरे मित्र जिसको आता है वे अपनी श्रद्धा के अधरों पर रखते हैं स्यादमान मुनियों को। बांसुरी को मत फेंको, बांसुरी को मत फेंको, सुर निकालना सीखो। झांझरी जी मित्र इस देश की समाज से कह देना, बांसुरी को मत फेंको, सुर निकालना सीखो। ऐसे ही देवसा गुरु को मत छोड़ो, इन्हें भक्ति करना सीखो। पंडित जी ये पंडाल क्या कह रहा है? अंदर में श्रद्धा न होती, बांसुरी बजाना न आता होता, ये पंडाल सूना दिखाई देता। मधुबन के श्रावक करे, मधुबन के श्रावक बोले महाराज जी मधुबन उजड़ गया है, बोले कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे मित्र सुधीर भैया, मधुबन नहीं उजड़ा है, मधुबन का आनंद निमिया घाट में आ गया है। मित्र पहले 13 पंक्ति में पंचकांक, 20 पंक्ति में पंचकांक, आज निमिया घाट पर पंचकांक हैं। अब पता नहीं कहाँ कहाँ और होंगे, कि पावापुर में, कि कुंडलपुर में होंगे, कि कौशाम्बी में होंगे। प्रशांत चतरा में होना है, अरे वाह, चतरा में होने, ईट खोरी में होना है, खुश हो गया ज्ञानी। भगवान शीतलनारायण स्वामी की पावन भूमि, प्रभु ने जहाँ कल्याणक को प्राप्त किया हो, ऐसा बद्दलपुर ईटखोरी में शीतलनाथ स्वामी के भी चरण विराजमान है। आइए ज्ञानी विराजो, आगे चलते हैं। ये कहने का उद्देश्य भोला समझो, बेटा भाषण देने सीखने के लिए भी कुछ सीखना पड़ता है, क्योंकि सुब्रत सागर मित्र कुरल काव्य में लिखा है, रंग मंच पर नाच दिखाना सरल है, रंग मंच पर नाटक करके दिखाना सरल है, धर्म मंच पर खड़े होकर बोलना, बैठ कर बोलना बहुत कठिन है। मुझे वो दिन भी याद है बनारसी पंडित जी, मुझे वो दिन याद है, एक बार मैं स्कूल में, आप सब अपने अपने स्कूल तो गई होंगी ना, मैं भी एक अपने दिन एक स्कूल में सोचना, मैंने नाम लिखा दिया। अब मुझे मालूम नहीं था यहाँ पर इतने बच्चे आएंगे और इतने बड़े बड़े लोग आएंगे। हम तो प्राइमरी में पढ़ते थे, वहाँ से दूसरे स्कूल चला गया, तो पंडित मैं सोच रहा था प्राइमरी जैसा कार्यक्रम यहाँ होता होगा, वहाँ तो भैया बच्चों के लिए माइक लगे, और जैसे ही माइक लगे वो मैं खड़ा हुआ बोलने के लिए, पहले दिन तो ऐसे पैर हिले और बैठ गया। मुझे मालूम है माइक पर आने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो लोग मालूम यो सोचते हैं, जो बाइक चलाना जानते ना, बाइक चलाना वे सोचते हाथ छोड़ के चला सकते हैं। अरे भाई माइक बाइक जो चलाना जानते उन्हें प्रशासन नहीं पड़ता है, जो चलाना नहीं जानते उन्हें पूछना क्या हालत होती है। भी तुम्हारे भी बेटे ना किशोर पहाड़े, इनको भी दूसरा बुलाना पड़ता, वो एक्सा करो विद्यालय का कोई छात्र बुला लाओ, वो संचालन कर देगा, तब मालूम चलता कि पैसा कमाना कितना सरल है और माइक पर बोलना कितना कठिन है। ओहो, सत्य ना भैया, सत्य है। लेकिन माइक पर बाहर की फुवड़ बातें करना सरल है, धर्म ग्रंथों की मेरे मित्र संदर्भ आगम की बातों कहना अत्यंत कठिन है, धारावाहिक बोलना। परंतु सुरेश भैया वाहन चालक की दृष्टि पर चले जाइए, गाड़ी भी चलना चाहिए, कहाँ मुड़ना है इसका भी उसको ध्यान है, कब ब्रेक लगाना है, कब क्या करना है, उसको स्टीयरिंग बना सब उसको ध्यान है, और जाना कहाँ है उसको ध्यान है। लेकिन मेरे पीछे भीड़ बैठी है, इसके प्राण ना चले जाए वो भी उसको ध्यान है। किसको? बस चालक को। ऐसे एक श्रेष्ठ वक्ता को
मैं क्या बोल रहा हूं इसका भी ध्यान होना चाहिए, क्यों बोल रहा हूं इसका ध्यान होना चाहिए, जीवों का हित हो इसका ध्यान होना चाहिए। बस के चालक के पीछे लोग होते हैं, वक्ता के आगे लाखों लोग रहते हैं, उसे ध्यान होना चाहिए इनकी श्रद्धा के प्राण ना चले जाए, ऐसी बात करना चाहिए जिससे श्रद्धा बढ़े टूटे ना। किस ग्रंथ से बोल रहे हो उस ग्रंथ का भी ध्यान रहना चाहिए, किस ग्रंथ से बोल रहे हो उस ग्रंथ का भी ध्यान रहना चाहिए है। और मित्र इन जीवों का कल्याण हो इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए है। ओह इसलिए पुण्य क्रिया, पंडित साहब बिराजो पुण्य क्रिया, जो पुण्य क्रिया है उस पर खिंचाव नहीं होना चाहिए, पुण्य क्रिया खिंचाव नहीं होना चाहिए। कोई जीव जल से अभिषेक कर रहा है उसको देख के नाक मत सिकोड़ो, कोई दूसरे प्रियकार से कर रहा है उसको देख के नाक मत सिकोड़ो, तुमको जो पसंद है वो करके चले जाओ, झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे मित्र क्रिया पुण्य के लिए है, झगड़े के लिए नहीं है, संकलेशता के लिए नहीं है। आप वहां जबरदस्ती मत करो जहां जो क्रिया नहीं होती, जो क्रिया जहां नहीं होती वहां जबरदस्ती मत करो, और जहां जो हो रही है उसको बंद की बात मत करो, अपने कर्म का बंद मत करो, कर्मों की निर्जना करो। विकल्प किस बात का, भगवान महावीर ने शारदा सिद्धांत की व्याख्या की है, एकांत की व्याख्या नहीं की है। इसलिए मित्र जो पूजा में मन लगता है उसे पूजा करने दो, किसी को अभिषेक में मन लगता कर लो तुम अभिषेक, जाओ अपने घर। मित्र किसी को स्वाध्याय मन लगता है तो उसको गाली मत दो कि आज्ञा ये पंडित, उसको स्वाध्याय करने दो, करने दो। लेकिन स्वाध्याय वाले का कर्तव्य है, सच्चा स्वाध्याय होगा तो सट आवश्यक करेगा, नहीं तो स्वाध्याय किस बात का। किसी को आहार देने में आनंद आता है उसको आहार देने दो, किसी को बिहार में आनंद आता है उसको बिहार करने दो, क्या नहीं हो। लेकिन जैन दर्शन कहता है छह के छह जिसके पास हैं वही कर्म का छह करेगा, छह के छह जिसके पास हैं, मुनिराज के भी छह हैं, श्रामक के भी छह हैं, लेकिन उन दोनों में अंतर है। छह कर्तव्य मुनिराज के भी सुपयोग रूप हैं और श्रावक के सुपयोग रूप हैं, लेकिन श्रावक के छह कर्तव्य साबद्ध युक्त हैं और मुनिराज के छह कर्तव्य पूर्ण निर्बंध भूत हैं। इसलिए श्रावक का सुपयोग मुनि का सुपयोग, सुपयोग की दृष्टि से होने पर भिन्नत्व भूत है। श्रावक पूजा करना चाहिए, मुनिराज को स्वाध्याय जप तप करना चाहिए। श्यामक अभिषेक करे प्रभु का और मुनिराज अपने ज्ञान नीर से अपनी आत्मदेव का अभिषेक करें। ज्ञान देव का अभिषेक करें, ऐसी प्रणति से युक्त जो जिएगा, यानी विश्वास रखना वो जीव भद्र प्रणाम मंद कसाय से नियम से बिना तपस्या के भी स्वर्ग जाएगा। और जो जीव बहुत तपस्या कर रहा है पर परिणामों में संकलेशता का विराम नहीं है उनका कल्याण भी नहीं है। पंडित जी बहुत गहरे में जाना पड़ेगा, धर्म पक्षातीत है, धर्म पक्षातीत है, धर्म पक्षातीत है। मूंगफली तो देखी आप लोगों ने, मूंगफली देखी, मूंगफली देखी ना पंडित जी, विकल्प नहीं करना चलते हैं। मूंगफली देखी पंडित जी, महिपाल जी मूंगफली देखिए पंडित साहब, मूंगफली दुदल होती, दुदल तो मूंगफली के दो दलों में, इस तरफ के दल में तेल है कि इस तरफ में तेल है। मेरे प्रश्न को ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, चाहे तिल हो तिलहन सरसों उसके भी दो दल हैं, दो दल हो जाते हैं,
तो सरसों के इस तरफ के हिस्से में तेल है कि इस तरफ के हिस्से में तेल है, दाएं की बाईं? दोनों में है, दोनों में ही ना। बादाम के किस हिस्से में तेल है भाई, सोचना, दोनों में है। तो मित्र, जब दोनों में ही तेल है तो एक को क्यों हटाना चाहता है? निश्चय में भी धर्म है, व्यवहार में भी धर्म है, दोनों में तेल है। लेकिन ध्यान रखना, दोनों तेल नहीं है, लेकिन ध्यान रखना दोनों तेल नहीं है। दोनों फलियों के, दोनों फलकों के, दोनों फलकों के मध्य से तेल निकलता है। जो निकलता वो तेल है, जो बचता वो तो खली है। ऐसी सुक्रिया करते समय जो परिणामों की विशुद्धि टपक रही है उतना तेल है, बाकी खली है। खली के लिए मत मरो, तेल निकालो। खली है, खली। पिच्छी भी चाहिए, कमंडल भी चाहिए, दिगंबर मुद्रा भी चाहिए, परंतु मित्र इन सब के बीच में भावों की जो विशुद्धि है उसका नाम तेल है, उसका नाम तेल है। वो हो नहीं पाई तो मात खली 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 खाली। इतना धर्म समझ में आना चाहिए। पंडित जी, काला जी, आज आप टोपी में समझ में नहीं आ पाए थे मेरे लिए, अब समझ में आ गए कि आप पंडित जी बैठे हो यहाँ पर। पंडित जी कोडरमा, मित्र काला जी, लगा लो, आप टेंशन मत लो। मैं एक ऐसा आदमी हूँ हर वस्तु में गुण देखना जानता हूँ। ये टोपी में बहुत लाभ है, अलग से चमक भी रहे हो, ऊपर से कहीं कोई कौआ बीट कर जाना तो सिर बच गया तुम्हारा। ओहो, मालूम जितने लोग बैठे अलग से समझ रहे कि कोडरमा के लोग आए, अलग से चमक रहे हैं, बहुत लाभ हैं। पर मेरे मित्र, महाराज बनना चाहते हो, भगवान बनना चाहते हो, तो टोपी नहीं लंगोटी भी छोड़ना पड़ेगी। विराजो, क्षमा करना बुरा लगे तो। लेकिन सत्य है कि नहीं? सत्य है। तिल से तेल देखो, तिल में तेल देखो, पर बिना तिल के तेल होता नहीं है। और तिल लिए बैठे रहोगे तो तेल मिलता नहीं है। इसलिए क्रियाओं में धर्म देखो, क्रियाओं को धर्म मत देखो, क्रियाओं में धर्म देखो। क्रिया धर्म नहीं है, क्रियाओं में धर्म है। निश्चय व्यवहार में धर्म नहीं है, निश्चय व्यवहार की व्याख्या में जो रत्नत्रय की आराधना वो धर्म है। और रत्नत्रय की आराधना जो भावों की विशुद्धि है वो धर्म है। वो विशुद्धि में जो शुद्ध उपयोग की धारा है वो धर्म है। और शुद्ध उपयोग की धारा में आत्मा का शुद्ध हो जाना, इसका नाम परम धर्म है। जब तक आगम की एक एक पंक्ति पर गद्यादि विचार नहीं करोगे ना, आप विश्वास न लो। आपको समझ में आना चाहिए कि हम वक्ताओं के, श्रोताओं के साथ जो आगम के बाहर बोल रहे हैं, ऐसे वक्ताओं के द्वारा श्रोता छले गए, बेचारे छले गए, छले गए। जिन वाणी के नाम से बिठाया गया है वो मनवाणी सुनाई गई, पर की प्रशंसाओं में धर्म नहीं है। धर्म तो प्रशंसातीत है। इसलिए यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, हे श्रमण, समतियों का पालन करने के उपरांत अब गुप्तियों में प्रवेश कर जाइए। जो मंदिर नहीं जाता था उसे मंदिर भेजना धर्म है। मंदिर जाने लग जाए फिर कहना बेटा पूजा करो धर्म है। पूजा करने लगे कहना बेटा स्वाध्याय कर लो धर्म है। स्वाध्याय भी करो बेटा दान दे लो धर्म है। दान भी नहीं लगे बोटे बेटा ऐसा करो संयम का पालन कर लो धर्म है। संयम पाए बोले बेटा तपस्या कर लो धर्म है। अपने क्रम क्रम से उसको 7-8-6 के पास लेके चले गए। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं, जब तक समतियों का पालन नहीं था तब तक ये समतियों का पालन कर लो धर्म है। अब धीरे से कह रहे हैं, सुनो ना गुप्तियों का पालन करो, ये तुम कहाँ समतियों में लगे हो। जब गुप्ती में चले जाएगा समतियां तो अपने आप पलेंगी।
ओहो मुझे धन्य हो तुम पंडित जी हो, जिसके पास एक का नोट है उसके पास पांच पैसे है कि नहीं है ना, तो जिसके पास गुप्तियां हैं वह समतियां नियम से होंगी। संसार में कोई कठिन साधना है उसका नाम गुप्ती है, और उनमें भी गुप्तियों में मनोगुप्ती है, उसकी व्याख्या प्रकर रहे हैं। शमारंभे आरंभे सुनो निर्गंथो और सुनो श्राव को, निर्गंत प्रवेश करने के लिए सुनो और सग्रंत श्रद्धा के लिए सुनो कि स्वरूप धर्म का क्या है, तुम सुन क्या रहे हो। शमरम्भ समारंभ आरंभे, शमरम्भ समारंभ आरंभे या तयव या मन वचन काय तू नियमेज नियसेज जयम जय, वही मनोगुप्ती है गदिया देख मित्र, वही मनोगुप्ती है जहां पर यत्न संपन्न है। आ क्या सुंदर शब्द है, सुवेद सागर है क्या ज्ञानी, इस शब्द कुछ गहरा लिखा है, यत्न संपन्न। माँ रोटी बनाने गई साड़ी जल गई, हम लोग जैसे लोग दया तो करेंगे, बेचारी माँ जल गई ऐसा तो बोलेंगे, लेकिन साथ में ये भी कहेंगे कैसी पागल माँ थी, इतना विवेक नहीं था कि चूल्हे में साड़ी जला के आ गई, ये बात सत्य है कि नहीं। दया करेंगे पहले क्या कहेंगे, उपचार कराइए इसका, बेचारी जल गई, लेकिन धीरे से क्या कहेंगे, यदि ऐसे भोजन बनाते जलती होती तो देश में कोई नारी ना बसती, इसका विवेक नहीं था। कोई व्यक्ति ठोकर खा के गिर गया तो उपदेश नहीं देना, पहले पारस मित्र पहले उसको उठा लेना, उसको मल्लम पट्टी कराना, जब ठीक हो जाए तब कहना तू कैसा आदमी है, देख के नहीं चलता था। बोले रोड तेरे लिए अकेली थी, हम भी तो वहीं से निकले थे। कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग से चित हो जाए उसे पहले हम बांसली उठाएंगे, बाद में कहेंगे पागल तू देख के नहीं चलता था। बोले कि महाराज जी ऐसा था, बोले मैं भी तो चल के आ रहा हूं वहीं से, पहले दया दिखाना फिर कर्तव्य दिखाना, दया के समय दया दिखाना कर्तव्य के समय कर्तव्य बताना, लेकिन दया के काल में कर्तव्य नहीं बताना, अभी उसको बचाने का उपाय करिए बाद में समझाना, समझ में आना कुछ नहीं तो आप बेचारा तो गिर पड़ा तुम उन्हें एक और मार दिया। बोले जिनकी वाणी से मिलता आगम का विशुद्ध ज्ञान, जिनके समागम से मिलता भक्ति और ज्ञान का विशुद्ध मेल, जिनके सहज वाचन से मिलता आत्मा को विशुद्ध सत्संग, ऐसे आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल देशना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक परिवार हैं स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी श्री पदम चंद जी छाबड़ा, श्रीमती उषा देवी श्री कैलाश चंद्र जैन, श्रीमती आकांक्षा जैलेश जैन एवं कुशल जैन समस्त परिवार कोलकाता। पुण्यार्जक बनने के लिए संपर्क करें विशुद्ध देशना प्रसारण केंद्र अनुराग भैया सीहोरा 9630555001, वैभव जैन बड़ा मनेरा 9977434343।
काम में आती है, किसी को हे मत देखो। मालूम झांझरी जी एक दिन क्या हुआ, वो माइक वाला भैया है ना, वहाँ स्थान सभा में छोटा था, वो आके बैठ गया, तो कुछ श्रोता आए अच्छे सेठ लोग, उन्हें खिसक खिसक उसको भगा दिया, सो बेचारा गुस्सा करके बाहर चला गया। इसलिए में लाइट और माइक बंद हो गया। अब चला कांगिया कांगिया कांगिया, बुलाओ भाई कहाँ बोले, अब कहता तुम चला लो ना। मित्र उसकी भी कीमत समझ में आती है, इसलिए हर व्यक्ति के प्रति सुनील तेरी भी कीमत है, कमंडल की जरूरत पड़ती है ना, तो फिर कहते हैं शिव सागर भैया सुनील कांगिया। और मालूम वैसे सुनील बहुत बातें करता है, हर व्यक्ति कीमत होती है बेटा, समय पे कीमत होती है, इसलिए आप रोया मत करो, समय पे कीमत होती है। आओ मेरे मित्र, सबके दिन एक से नहीं होते हैं, अपना भी समय आएगा, बैठो ज्ञानी, अपना भी समय आएगा, अपना भी समय आएगा मित्र, अपना भी समय आएगा, चिंता मत करो, जहां महावीर विराजमान है वहीं बैठूंगा, अपना भी समय आएगा। सोचना तो इतने में खुश हो गया कि यहां बैठने को मिल गया, अरे वहां बैठने की बात करो जब महावीर स्वामी विराजमान है, जब पारसनाथ विराजे वहां पर बैठूंगा। लेकिन कब बैठ पाओगे, जब शंभुरंभ यतन संपन्नम यतन पूरक यति शंभुरंभ समारंभ आरंभ में प्रवर्तमान। आहा, प्रवर्तमान अपने मन को रोकता है, गोपन करता है, उसका नाम मनोगुप्ति होती है। ऐसी मनोगुप्ति जब आएगी तब तुम महावीर के पास पहुंच पाओगे। आपका समय हो गया, कल पुनः चर्चा करूंगा इस पर। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की। जिनकी वाणी से मिलता आगम का विशुद्ध ज्ञान, जिनके समागम से मिलता भक्ति और ज्ञान का विशुद्ध मेल, जिनके सहज वाचन से मिलता आत्मा को विशुद्ध सत्संग, ऐसे आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल देशना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी श्री पदम चंद जी छाबड़ा, श्रीमती उषा देवी श्री कैलाश चंद्र जैन, श्रीमती आकांक्षा जैलेश जैन एवं कुशल जैन समस्त परिवार कोलकाता। पुण्यार्जक बनने के लिए संपर्क करें विशुद्ध देशना प्रसारण केंद्र अनुराग भैया सीहोरा 9630555001, वैभव जैन बड़ा मनेरा 9977434344।